रांची के प्रेमियों, गोल्ड ऑडियो के माध्यम से पेश होने जा रही है नौटंकी आधी बहन आधी दुल्हन उर्फ रास्ते का रोड़ा। पेश कर रहे हैं सजाद जोकर एंड चंद्रावल पार्टी। जयकरण सिंह महाराज जो है अपने राज दरबार में बैठे हैं, तभी महाराज ज्ञान सिंह का आना होता है और दोनों महाराज में क्या बात होती है। इससे पहले कि कहीं राजकुमारी बाली के कदम बहक जाए, मैं उसके शादी करके राजकुमारी बाली को विदा कर दूं, ताकि ये बोझ मेरे सर से हट जाए। लेकिन ऐसा मेरा कोई साथी है भी नहीं जिसके लड़के के साथ मैं अपनी बेटी राजकुमारी बाली का हाथ पीला कर दूं। दोस्तों, ये जो ड्रामा आप लोग देख रहे हैं, ये महाराज जयकरण सिंह का रोल अदा कर रहे हैं हमारे श्रीमान बुद्धिलाल विश्वकर्मा, आह्लाद गांव रायबोझा मिहिपुरा बहरेश। और जो महाराज ज्ञान सिंह है, महाराज जयकरण सिंह का रोल अदा करे हमारे उस्ताद मोहम्मद हरामी नवाबगंज बहरेश। और जो सेनापति है, सेनापत का रोल अदा कर रहे शहजाद मास्टर गिरंड बाजार बहरेश। और बुलबुल का रोल अदा कर रहे हमारे उस्ताद शेरली मास्टर नवाबगंज बहरेश। और महाराज के बेटे जो गुलशन है, गुलशन का रोल अदा कर रहे हमारे महबूब मास्टर जमालिशिया नवाबगंज बहरेश। और जो बाली का रोल अदा कर रही है हमारी प्रोप्राइटर मालकिन चंदा रानी नवाबगंज बहरेश। अब लीजिए जो हारमोनियम पे संगत कर रहे हमारे अच्छन मास्टर सतीजोर नवाबगंज बहरेश। और जो नकारे पे संगत कर रहे हैं लल्लन उस्ताद नई बस्ती दरगाह रोड बहरेश। और जो ढोलक पे संगत कर रहे हैं ये हमारे नजीर उस्ताद छेदी प्रवाह गिरन बाजार बहरेश। महाराज ज्ञान सिंह से द्वारपाल महाराज जाओ, महाराज जयकरण सिंह से कहो कि जोधपुर के महाराजा ज्ञान सिंह आपके राजमहल में पधारे हुए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या बात मंत्री जी, क्या बात, कहिए कैसे आना हुआ। महाराज जोधपुर के राजा महाराज ज्ञान सिंह पधारे हुए हैं, कहिए तो उन्हें लेकर के यहाँ आऊं। जाओ उन्हें मान मर्यादा के साथ अंदर बुला लाओ। बहुत अच्छा, आइए महाराज, चलिए आपका स्वागत है। आओ आओ मेरे प्यारे दोस्त जयकरण, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी याद आई। कैसे आना हुआ, कोई कैसे कष्ट उठाया करके मेरे यहां तक आना हुआ। दोस्त जयकरण, मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। कौन सी फरियाद मेरे लायक, जो बात हो फौरन बताइए खुलासा। हमने सुना है जयकरण सिंह कि तुम्हारे एक बेटा है जिसका नाम है गुलशन। हाँ है। और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है बाली। मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती हमेशा सलामत रहे हमारी और तुम्हारी। अपनी बेटी का रिश्ता मैं तुम्हारे बेटे के लिए लेकर आया हूं, इनकार तो नहीं करोगे। खैर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है और तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अपने लड़के को तुमको दे रहा हूं, और जैसी मर्जी आपकी हो ऐसा कीजिए। महाराज दोस्त जयकरण सिंह, मेरा लड़का आपका लड़का है, आपकी लड़की मेरी लड़की है, तो शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। कल ही बारात लेकर महाराज हमारे राजमहल में आ जाओ। तो ब्याह लगाई दी हो और लौंडा तो पागल है, हम वो देखा चाह रहा है। ओ न कहीं न कहीं
बेवकूफ लुलू का पट्टा। तो हमसे कहे ने बताया रहो ने हम ना कही हमें क्या करें। अबे पागल है मगर कौन जानता है। हाँ खैर जानता तो कोई नहीं है महाराज। ये हमारे दोस्त हैं इसे मत कहो। ठीक 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 गलती हो गई आपसे। अबे हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं आपसे हमसे हमसे। बेवकूफ उल्लू का पट्टा। बहुत अच्छा। खैर दोस्त आओ दोस्त मन आइए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप जिस दिन चाहे उस दिन मैं लड़के को बुला करके और अपनी लड़की का हाथ बढ़ा दीजिए। देर नहीं करना चाहिए दोस्त। अच्छा बस कल ही बारात लेकर आ जाओ। कल ठीक। नौकर। हाँ महाराज। तमाम रियायों में खबर कर दो कल मेरे लड़के की शादी हो मैं बारात चलने के लिए तैयार हो जाए। बहुत अच्छा। मैं महाराज जयकरण सिंह का ये हुमुक है। अबे हुमुक नहीं है। हाँ महाराज फिर क्या। ये बेवकूफ हैं तुझे इतने दिन हो गया मेरे यहाँ रहते हुए तब क्या कही और बात करने का सलीका नहीं है। हुमुक तब क्या कही महाराज। हुक्म 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 हम कहीं ना पे बे हुमुक कहीं पे। अबे कह तो रहा है यही। अच्छा तो हम कह ली थे का। तो भाइयों आप लोग परसों बारात चलेगी। आप लोग अपनी अपनी दाढ़ी मोछ जो है बनवा करके और शमशान घाट पे मुलाकात कीजिए। शमशान घाट क्या कोई वहाँ मुर्दा दफन करना है। अरे नहीं महाराज उसी रास्ते से निकल करके हमारी बारात जो है चलेगी। नहीं उधर से नहीं जाएगी। हाँ ऐशबाग होकर के निकल जाएंगे हम। अच्छा ठीक है। बेटी राजकुमारी बाली। जी पिताश्री क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूं बेटी राजकुमारी क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी अपने प्यारे दोस्त जयकरण सिंह के बेटे से तय कर दिया है और कल ही बारात आएगी। नहीं बाबूजी बोले क्या मैं कुछ समझ ना पाई। बाबूजी बोले क्या फिजूल की बातें करता हूँ बाली। हाँ पिताश्री। हमने तुम्हारी शादी तय किया है बाली इसमें फिजूल की बात कहाँ से आ गई। मुझे कौन नहीं मंजूर है बाबूजी ऐसा चाहिए शादी करूंगी उससे। तो अच्छा है कि तुम महाराज ज्ञान सिंह की अगलौती बेटी बाली है नहीं तो आज अपनी सफेद चादर पर बदनामशाही का दाग लगाने का अंजाम मैं तुझे बता देता। नहीं पिताजी ऐसा मत करिए। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कहूंगी आप जरूर करेंगे और बुलबुल के साथ मेरी शादी जरूर करेंगे। मैंने बुलबुल से वादा किया। राजकुमारी बाली शादी तुम वही करोगी जहां मैं चाहूंगा। तुम बुलबुल को भूल जाओ राजकुमारी बाली भूल जाओ। नहीं पिताश्री मैंने बुलबुल से वादा किया है और अभी कहा कि आप चलकर मेरे पिताजी से कहिए वो जरूर आपकी फरियाद सुनेंगे आपकी शादी जरूर मेरे साथ करवा देंगे। लेकिन आप तो मुझसे नाराज हो रहे हैं। राजकुमारी बाली यदि तुमने हाँ नहीं किया तो मैं उस हराम जादे को सैनिकों द्वारा पकड़वा कर उस हराम जादे बुलबुल का नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं पिताजी कहती हूँ बाबूजी मैं खुला आम में सिर्फ बुलबुल को ही पत बनाऊंगी मैं। आप चाहे मेरा कत्ल कर दे अभी दूसरे संग न शादी रचाऊंगी मैं। मेरा बुलबुल का कुछ मत कहना मुझे कत्ल
तलवार से दाग कुल में लगाती और फिर है बेशरम मुख दिखाऊंगा मैं कैसे संसार में। बोल बाली, क्या है उस हरामजादे के पास, कौन सा सुख और आराम तुझे दे सकता है? पिताजी, मैं उसके साथ जैसे भी रहूंगी सुखी ही रहूंगी। आज से तेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया बाली। सिपाहियों, महाराज ले जाओ इसे, कैद कर दो। बहुत अच्छा महाराज, चल बाली, चल मेरे साथ, चल अंदर। सैनिकों, जितनी जल्दी हो सके हमारे आदेश का पालन किया जाए। बहुत अच्छा। बुलबुल को गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश किया जाए। बहुत अच्छा। मैं गया और उसको गिरफ्तार करके तुरंत लाया। चलिए। देखिए, उधर सैनिक जो है जाते हैं बुलबुल को पकड़ने के लिए, और बुलबुल की माँ घर में बैठी है, और इधर से सैनिक लोग पहुंच रहे हैं। ए, सुनो सिपाहियों, देखो यही घर है, यही घर है, यही बुलबुल का घर है। बुलबुल तो नहीं है लेकिन उसकी माँ खड़ी है, देखो इससे पूछा जाए। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, क्या है तेरा लड़का? कहाँ है हरामजादा उल्लू कमट्ठा? लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया है? तेरे बेटे ने, तेरे बेटे ने जो गलती किया है वो महाराज खुद जानते हैं। बोल। क्या है मेरे बेटे ने? ओ बोल बुढ़िया, तेरा लाल बुलबुल कहाँ? छान मारा कहीं ना मिला। तुमको मालूम है रहता वो बुलबुल कहा, मुझसे बतला दिए, मुझसे बतलाए दे। सेनापति जी, मैं आपसे सच बता रही हूँ, मेरा बेटा आज 5 दिन से घर नहीं आया है। सिपाहियों बोलिए, ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, उठा लो हंटर। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए। ए बुढ़िया, तभी ये बताएगी। बताती है कि नहीं बताती? बोल। बोल, कहाँ है मार दो। बोल। जब कहाँ है बुलबुल? बोल। जब मुझे और छोड़ दो मेरी माँ को, और अरे बेशरम वरना घूसों से मैं और भुजा तोड़ दूँ। आ मुकाबिल में घर और शेर पलता है तू, जूतों से मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूँ। तो
सिपाहियों, बोलिए। मैं इसे इसके सामने आ रहा हूँ और तुम लोग होशियार होकर के जिस वक्त मेरा और इसका मुकाबला हो जाए पीछे से इसे अरेस्ट कर लेना। बहुत अच्छा, समझे? ठीक। बस बुलबुल, भलाई तुम्हारी है इसी में कि साथ में मेरे चल दो। मैं कहता हूँ मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हराम खोर। आगामी पेशकश लाखन का गाना सिंगल धूप की लड़ाई और माड़ो की लड़ाई। धोखे से गिरफ्तार कर लिया, खैर कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। ले चलो मेरे साले जो इस हरामजादे को। चलिए, और इस बुढ़िया को क्या किया जाए? इस बुढ़ी को 5-6 लाख मार के भगा दो यहाँ से। ठीक ठीक। हरामजादी, ए बुढ़िया, यहाँ से यहाँ से निकल दिया कि नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारे। हरामजादी, मेरी तबीयत नहीं है। देख, मेरे आँखों में खून सवार है और इस सिपाही के आँख में मवाद भरा है। हम लोग तुझे अब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से भागती है कि नहीं? मैं भागी। निकल यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़। निकल जा, हरामजादी, यहाँ से निकल। चल 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 इधर, चल चल। आज की जो हो बा सेनापति, ये आपका दुश्मन हाजिर हुआ। बोल, तुझे कौन सी सजा दी जाए, जिंदगी या मौत? महाराज, मैं क्या बताऊं, कुछ कह ही नहीं सकता। गलती इंसान ही से होती है और मैं माफी चाहता हूं। तुझे और माफी, तुम माफ करने के काबिल है नहीं। सिपाहियों, जी महाराज, मारते मारते इसके बदन की चमड़ी उधेड़ दो, मारो इसे। बहुत अच्छा। बाली, सिपाहियों, इस हरामजादे को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो नहीं, नहीं बुलबुल, खड़ा कर दो इसे। बुलबुल को छोड़ दीजिए पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। तो फिर सुनो बाली, अगर तुम बुलबुल को जिंदा देखना चाहती हो तो शादी अपनी मंजूर कर लो, जहां से मैंने तय किया है। लेकिन मेरे बुलबुल को छोड़ दोगे, उसके पास से फिर नहीं बोलोगे? छोड़ दूंगा। नाजुक सा सिसिया दिल पत्थर से तोड़ दो, नाजुक सा सिसिया दिल पत्थर से तोड़ दो, नाजुक सा सिसिया दिल पत्थर से तोड़। बाली, तुमने क्या वादा किया था और आज ये क्या कह रही हो? लेकिन बगैर आपके मैं जिंदा नहीं रह सकती। आप संसार में जीवित रहेंगे तो मैं भी जिंदा रहूंगी। तेरा नाम जाने जहां है, मगर तू बड़ी बेवफा है। मेरी जान तुम पे फिदा है, मगर
पर तू बड़ी बेवफा है, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी। सिपाहियों तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी। अरे बज्म में तुझको रुसवा करूं तो, बड़ी बज्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तो हीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी। सिपाहियों ले जाओ इसे, न महफिल में होगी ना मेले में होगी, महफिल में होगी ना मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी, तुझे बेशरम बे मुरव्वत करूं कहूं तो, तुझे बेशरम बे मुरव्वत कहूं तो ये मेरी मुरव्वत की तौहीन होगी। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा गम न कर तुझको मेरी कसम है, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तोहीन होगी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत के तोहीन होगी। ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कैद खाने में। मंत्रीवर आज बारात आने वाली है। अच्छा, जाओ अपनी फौज सजाकर बारात की अगवानी करो। बहुत अच्छा। बुलबुल मैं कितनी देर से तेरा इंतजार करता हूं। बुलबुल तू मेरे पास आ जा, कहीं भी हो बुलबुल तू मेरे पास आ जा। हाँ देखिए, अपने दोस्त की याद में ये पागल हो गया है, दर बदर की ठोकर खा रहा है, लोग इसे श्री पागल कहते हैं, और उधर इसके पिता जो है शादी तय किया है, आज ही बारात जाने वाली है। ऐसा ही क्या बात है, जाओ कहीं भी मेरा लड़का मिले उसे ढूंढ करके मेरे पास तक पहुंचा दो, क्योंकि आज ही बारात जाने वाली है, लड़का गायब है। बहुत अच्छा महाराज, इज्जत का और मान मर्यादा का मामला है, वहाँ इंतजार हो रहा होगा और यहाँ लड़का गायब है, जा करके कहीं भी हो ढूंढ करके लाइए। बहुत अच्छा महाराज। आ बुलबुल, अरे गुलशन,
मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। आह बुलबुल, कहते हैं मुझे, जिस जगह दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए, दिल दिया बुलबुल, आह बुलबुल, दिल दिया एतबार की हद थी, जान दे दी ये प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। मेरे दोस्त, आप लोग कौन है? अरे तू नहीं जानता है बेटा, बुलबुल, तुम बुलबुल हो? अरे मैं बुलबुल नहीं हूँ यार। फिर कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मंत्री हूँ बेटे, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि कल तुम्हारी शादी होगी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कौन मेरा पिता है, मुझे तो सिर्फ बुलबुल की याद आती है। अरे चलो यार, मैं नहीं जाऊंगा इस बियाबान को छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस बियाबान में रहूंगा तो वो मेरा दोस्त गरीब जरूर मुझसे मिलने आएगा। देखिए बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ये कहा है कि जाओ मेरे बेटे को कहीं ना कहीं से लेकर के आओ, और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं बुलबुल को जरूर लेकर के आऊंगा। बुलबुल? हाँ बुलबुल आएगा। हाँ बुलबुल आएगा, वहां मिलेगा बुलबुल। हाँ चलिए आइए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइए, ठीक है चलो। महाराज की जय हो। क्यों महाराज? मंत्री जी। हाँ महाराज। ले आए बेटे को? हाँ ये देखिए। आओ आओ बेटे आओ। तुम कौन हो? बुलबुल। अरे तुम बुलबुल हो बेटा? अरे यार बुलबुल नहीं है। अपने बाप को, अपने पिता को, अपने पूरे परिवार को नहीं पहचानते हो? मुझे कुछ नहीं याद। धन्य हो महाराज, कह रहा है कि मैं लौंडा ना पैदा करूं लेकिन मान्यो नहीं, और रहा बौरा लौंडा पैदा कर रहे हैं। अब बताओ बौरान पड़ा है और क्या लगाया नौकर है? उससे ये कहो कि आज तुम्हारी शादी है और किसी ना किसी तरीके से इसको दूल्हा बना करके वहां तक पहुंचाना है। हाँ नहीं तो इज्जत चली जाएगी। हाँ देखिए गुलशन, तुम अपना दिमाग जो है सही कर लो, क्योंकि अभी जो है तुम्हारी बारात चलने वाली है, चलिए तुमको मैं दूल्हा बनाता हूँ। और बेटा सुनो, जब तुम दूल्हा बनकर जाओगे, मैं
मेरे साथ में चलोगे, तुम्हारी शादी होगी, वहीं पे तुम्हारा दोस्त बुलबुल तुमको मिलेगा। हाँ, मिलेगा। हाँ ठीक है, मुझे जल्दी दूल्हा बनाओ। सिपाहियों, हाँ, लड़के को दूल्हा बनाओ, मेरे साथ लेकर चलो। ला जल्दी मुझे दूल्हा बनाओ। आइए, बुलबुल मिलेगा। हाँ बुलबुल वही मिलेगा। ठीक है चलो, कपड़ा पहन लो बेटा, कपड़ा बन गया दूल्हा। हाँ, तुम्हें अच्छा लगता हूँ। क्या बात है, लड़का फिर हमारा लड़का फिर। अबे तू पागल कह रहा था। जैसे बुलबुल अच्छा लगता है वैसे मैं अच्छा लगता हूँ। चाचा तुम भी चलोगे मेरे साथ में? हाँ हाँ ठीक। पिताजी तुम भी चलोगे साथ में? अरे मैं नहीं चलूंगा, फिर कौन जाएगा?